हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वाला जो व्लॉग है वो हरतालिका तीज वाले दिन का है, थोड़ा सा लेट हो गया है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ मम्मी जी के मेहंदी, जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेहंदी मुझे बिल्कुल भी लगाना नहीं आता है। और मम्मी जी कर रही थी फ़ोन पर बात दीदी से, तो मम्मी जी ने क्या करा था कि रात में कुछ भी नहीं लगाया, तो मेरी नज़र पड़ी और मैंने कहा मम्मी जी का व्रत है तो लाओ जो भी जैसे मेरे से बनता है वैसे लगा देती हूँ, एक हाथ पर अभी लगा देती हूँ। फ़िलहाल मुझे खाना बनाना था तो इसलिए मैंने फिर एक ही हाथ पे लगाई। और इस टाइम जो होता है ना, मम्मी जी का सब दीदी वगैरह का फ़ोन आता है, रिंकी दी का फ़ोन आता है, सब लोगों से वो बात करती हैं और साथ साथ में मैं भी बात कर रही हूँ दीदी लोगों से। लगा दी यहाँ पर मम्मी जी के मेहंदी, कितनी बढ़िया लग रही ना, निरी निरी पत्तियाँ बना दी मैंने, मुझे अच्छी लग रही, सही बताओ। हाँ मम्मी जी कहें रचने के बाद अच्छी लगी, वरना और कोई मेरे से ऐसी मेहंदी लगवा ले ना, ऐसा भी नहीं लगवाया, हाथ धो दे वो तो, कहीं अच्छी नहीं लगाई तुमने, बेचारी सासू मामा ही लगवा लेती हैं जो लगाओ। चलो अब सही है, बस हो गया, अभी मैं खाना बना लूँ उसके बाद लगाऊंगी। अरे अभी तो सूख जाएगी, टेंशन से लगा जल्दी से खाना बना तो। अरे लेट ना हो जाओ, जा। नहीं बस अभी कढ़ी चावल बनाया हूँ फिर लगाती हूँ आके। तो फ्रेंड्स, मैंने ना खाना वाने का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं करा था, और यहाँ मैं लगा रही हूँ मम्मी जी के नेल पेंट, और अभी लगाना है महावर। मम्मी जी का आज व्रत है। अब आप लोग सोचोगे कि आपने क्यों नहीं रखा व्रत, तो मैं आपको बताऊँ, जब मेरी शादी हुई तो मेरी फरवरी में शादी हुई थी और मार्च में मतलब बेटा होने को हो गया था कैसे बोलूँ, तो फिर ना मैंने फिर पूरे मंथ ऐसे ही निकल गए, फिर व्रत आया तो मम्मी जी ने नहीं रखने दिया। फिर क्या बेटा हो गया तो व्रत नहीं रखने दिया कि हाँ बहुत कठिन व्रत है। इस व्रत में पूरा दिन पानी तक कुछ नहीं लेते हैं, शाम को पूजा करने के बाद बस चाय और पानी लेते हैं, फिर अगले दिन ही सीधे पानी वगैरह जो भी व्रत खोला जाता है। बहुत कठिन व्रत है, करवा चौथ से भी ज़्यादा ये हरतालिका तीज का व्रत कठिन है। तो मम्मी जी क्या बहुत पहले से रह रही, मम्मी रहती हैं और बड़ी वाली ननद रहती हैं, रिंकी दी कभी नहीं रहीं, रिंकी दी ने नहीं रखा था। तो मैंने कहा लाओ पहले मैं अपनी सासू माँ को आज अच्छे से तैयार कर देती हूँ। फिर मम्मी जी मुझसे कहने लगी कि गौरी तुम भी चलो साथ में, सब लोग पूछते हैं। और आज मम्मी जी ने ना पंडित मिश्रा जी की कथा सुनी थी, जिसमें कहा था कि अगर कोई व्रत नहीं भी रखता है तो जाके वहाँ पर ना दर्शन करके आ जाए, मतलब अच्छे से माथा टेक के आए और बढ़िया पूजा करे आए, तो उसका उसको भी उतना ही फल प्राप्त होता है। तो मम्मी जी पीछे पड़ गई, गौरी चलो। वैसे मेरी ऐसा नहीं कि जाने की इच्छा नहीं, बहुत कम समय मिल पाता है कि बाहर जाऊँ, और क्योंकि समय लगता है इन चीज़ों में, मुझे 6 से 7 साढ़े 7 8 बज गए थे आने में उधर से। तो फिर ना मम्मी जी बोली तैयार हो जाओ चलते हैं, खाने की टेंशन मत लो, क्योंकि शाम को आके खाना भी बनाना था। घर से थोड़ा सा दूर है, वहाँ पर कॉलोनी की सारी लेडीज़ आती है कांटी के घर पर, वहाँ पूरा मंडप जैसा बनाते हैं वो हर साल, और मिट्टी के भोले बाबा रेती के वो सब बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पर जाकर ना पूजा होती है। मैंने ना सीधे पल्लू की साड़ी पहनी, फिर बाद में पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब मैं खुद को देख रही थी कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, फिर मैंने बाद में ना इसको खोल दिया था। तो मैंने कहा लाओ मम्मी जी के महावर भी लगा देती हूँ, पहले तो जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने कहा नहीं मम्मी जी, उस दिन जब पूजा की थी तो भी फिर महावर लगाना भूल ही गई थी, तो मैंने कहा नहीं आज तो पक्का हम दोनों लोग अच्छे से महावर लगा लेंगे। और मम्मी जी के नेल पेंट वगैरह मेहंदी अच्छे से रच गई है, एक हाथ तो मैंने मेहंदी लगा दी थी और एक हाथ में सामने बहू रहती है उसने लगा दी थी, क्योंकि मैं इधर खाने वाने में लगी हुई थी। तो देख सकते हैं मम्मी जी ने आज अपनी पायल भी अच्छी वाली पहन ली है, और मैंने कहा भाई मैं भी लगा लेती हूँ।
हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारी एक चाची हैं चित्रा की मम्मी, तो उनके पैरों में से पता है कभी भी महावर ख़त्म नहीं होता है, मतलब जरा सा उनका महावर हल्का हुआ तुरंत लगा लेती हैं। हमारे यहाँ खुद ऐसा ही, मम्मी भी ऐसा ही करती हैं, मतलब पैरों से महावर बिल्कुल भी निकलने ही नहीं देती हैं। कुछ भी पूजा पाठ में, शुभ काम में हमारे यहाँ पर महावर ज़रूर लगाया जाता है। मतलब और इधर जो MP के लोग हैं, यहाँ मेहंदी का बहुत शगुन है, मतलब पैरों में हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने भी फटाफट से लगा ली, आपको दिखा देती हूँ। पूजा की थाली, पूजा की थाली में पूरा पूजा की सामग्री है। यहाँ पर एक पूरा पैकेट आता है जिसमें सिंगार का सामान रहता है, दीपक वगैरह, पंचामृत सब कुछ मम्मी जी ने रख, मैंने ही तैयार कर दी थी ये पूरी। और ये कुछ पत्तियाँ रहती हैं, पता नहीं कितने तरीका, 32 हो गया, पत्ती रहती है। कैसे लग रहे हैं? महावर लगा लिया है ना? और मम्मी जी कुछ भी नहीं करती, बस सिंदूर बिंदी के अलावा लिपस्टिक वगैरह कभी नहीं लगाया, ना कोई क्रीम वगैरह, ऐसी रहती है, ना लगाती है ना लगाने देती हैं। और देख सकते हैं, पर मम्मी जी मुझे नहीं अच्छी लग रही है सीधे पल्लू की साड़ी, पग पगलोल लग रही हूँ, बांध लूँ? 2 मिनट है, उल्टे पल्लू कर लूँ? अरे अच्छी नहीं लग रही, 2 मिनट साड़ी चेंज कर ली हमने और मम्मी जी ने, मतलब मम्मी जी की तो वही है, मैंने अपने भैया उल्टे पल्लू कर ली, बड़ी अजीब लग रही थी मैं तो। लाइट बंद कर दो, तो छोटी वाली लाइट तो जला दो। मम्मी जी ने अभी व्रत खोल लिया है, हम लोग वहाँ से आ गए हैं, पानी पी लिया, अब चाय बनाऊँ अच्छी से, है ना? चाय के अलावा कुछ नहीं लोगी? हाँ, ये वाला जो व्रत है ना, अरे चाची मेरा मुंह चाची। तो फ्रेंड्स ये वाला जो व्रत है ना, ये थोड़ा सा कठिन वाला, कठिन व्रत है, मतलब करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन है ये व्रत। पानी भी नहीं पीते हैं फ्रेंड्स, पानी नहीं पीते, पर मम्मी जी पूजा वूजा करने के बाद पानी ले लेती हैं और बस चाय ले लेंगी और फिर इसके हाँ बाद पूरी रात भजन में जाएंगी ये। और देखो कोशिश करूंगी मैं भी जाऊं, बहुत चिल्लाते हैं, पता नहीं जाएगा, बस ऐसे झूठ। फिर इसके बाद मम्मी जी सुबह नहाओगी? फिर सुबह नहा के फिर पूजा होती है, एक रात में कितनी बार पूजा होती है? 3 बार? अच्छा 5 बार, 4 बार अभी और होगी। फिर इसके बाद में सुबह नहाकर फिर एक बार और पूजा होगी, फिर व्रत खोलेंगे। वहाँ रहे आओ, यहाँ नहीं आओ, जैसे वहीं रहे आओ मंदिर में। हाँ, तो फिर रात भर फिर आखिरी पूजा करके आ जाओ, घर आ जाओ, फिर नहा के जाओ। अच्छा, घर आ गए तो फिर नहा के जाओ, जैसे सो लिया आके कभी जैसे नींद लग जाए, अगर वहीं रह रहे हैं तो सुबह की पूजा करके आओ। अच्छा चलो मैं चाय बना दूँ। फ्रेंड्स मैंने ना सिर्फ हरतालिका तीज का ही व्लॉग शूट करा। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे पता है आप लोगों को शिकायत होगी कि दीदी बड़ा व्लॉग बनाया करिए, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना मेरी सासू माँ के लिए।